हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो आप लोगों की कुक का रिजल्ट आया हुआ है, उसका आप लोगों का जो स्किल टेस्ट चालू होने वाला है 10 तारीख से, तो उसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने जरूरी होंगे, वहां पे आप लोगों का एडमिट कार्ड कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, इन सारी बातों को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ऑफिशियली जो आप लोग का रिजल्ट का पीडीएफ आया हुआ था उसको मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखो दोस्त, आप लोग का जो एग्जाम था वो कब हुआ था, तो 26/12/2023 को इन सारे ट्रेड का आप लोग का एग्जाम हुआ था, जो कि कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ जो कांस्टेबल कुक वाले बच्चे हैं, कांस्टेबल कुक मेल और कांस्टेबल कुक फीमेल, ये आप लोग ध्यान दे दो कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को वहां पे ले जाना है। और अगर आप लोग किसी और ट्रेड से हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि भैया मैं ड्राइवर से हूं, मैं इस किसी भी ट्रेड से हूं आप लोग, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पे ले जाना जरूरी है, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो, इसमें आप लोग को कांस्टेबल कुक वाले बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, एक एक बात को मैं इसमें समझाते हुए चलूंगा। आप लोग का स्किल टेस्ट कब से और कहाँ पे होने वाला है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो ऑफिशियली आप लोग को दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 6 नंबर में अगर आप लोग जब अपना रिजल्ट का नोटिस जब निकालोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है स्किल टेस्ट प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। और अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग उसको जुड़ जाना और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसको फटाफट से पढ़ के आपको सुना देता हूँ क्या है इसका मतलब, मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। देखो, स्किल टेस्ट प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड हेड कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रीशियन, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल कारपेंटर, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं इन सभी का शेड्यूल कब से है, 10/4/2024 से, ठीक है। अब देखो, ऑनवर्ड एडमिट कार्ड आर बींग इशूड ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शॉर्टली, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एसएसबी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। अब देखो, इसमें आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को मेन जो है वो समझने वाला है कि 10 तारीख चौथा महीना 2024 से आप लोग का स्किल टेस्ट चालू है। आप लोग के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो एडमिट कार्ड मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ दोस्त कि आप लोग के एडमिट कार्ड अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ये कांस्टेबल, कारपेंटर जितने भी है इनको भी देखने को मिल जाएगा, और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाले हैं उनको भी आप लोग का जो आपका डीएमई, आरएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। हेड कांस्टेबल वाले 10 अप्रैल तक वेट करेंगे, और इनका तो आप लोग का 10 तारीख से तो स्टार्टिंग है, तो इनका तो पहले ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर आजकल में भी इसका जारी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो मेन मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग को स्किल टेस्ट में, उसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में समझा देता हूं, और आप लोग इसको समझ के और उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से डॉक्यूमेंट को आप लोग प्रॉपर वे में अपना रख लेना, और वहां पर जाओगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है कि 10 तारीख से आप लोग का जो आप लोग का स्किल टेस्ट है वो चलने वाला है, मैंने आप लोग को ऑफिशियली दिखा दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहला तो आधार कार्ड, आप लोग को ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। और आधार कार्ड का आप लोग एक जीरोक्स भी करा के ले जाना, कम से कम 2 जीरोक्स करा लेना, 2 जीरोक्स का वहाँ पर जरूरत पड़ सकता है, लेकिन आप लोग जितना जीरोक्स करा के ले जाओगे उतना बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, सेकेंड आप लोग को लगेगा फोटो, फोटो आप लोग ले जाना कुछ 4, 5, 7, 8 फोटो कम से कम आप लोग ले जाना वहाँ पर, ठीक है। तीसरा आप लोग को एडमिट कार्ड, स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड एसएसबी रिलीज करेगी उसका आप लोग को कलर प्रिंट या फिर ब्लैक एंड व्हाइट किसी तरीके से भी आप लोग वहां पे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कलर प्रिंट ही लेके जाना वहां पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है 10th का मार्कशीट आप लोग को ले जाना है, और 10th का सर्टिफिकेट। देखो, 10th का सर्टिफिकेट मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको बोर्ड आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट देता है, जिनका भी बोर्ड अगर आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट नहीं देता है उनको 10th का सर्टिफिकेट ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। अब सीबीएसई बोर्ड 10th का सर्टिफिकेट नहीं देता है, वो सिर्फ एक मार्कशीट देता है, तो आप लोग को सिर्फ मार्कशीट लेके जाना है। जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं या फिर जो भी अदर स्टेट से हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है वो सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे, लेकिन बिहार बोर्ड में क्या होता है कि 10th का मार्कशीट भी दिया जाता है और 10th का सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप लोग को 10th का मार्कशीट भी और 10th का सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल भी ले जाना है, और इनका जीरोक्स करा करा के भी लेके जाना है, 2-3 जीरोक्स आप लोग लेके जाना है, बिल्कुल, ठीक है। अब 6 नंबर पे है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग का जो है
वो कब का होना चाहिए ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ये नहीं कि आपने अब हाल फिलहाल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको उसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर आप लोग का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट हो, ये सभी आपके जो फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट है उससे पहले के होने चाहिए, ना कि उसके बाद के होने चाहिए, ना कि नया आप लोग बनवा के जाओगे। देखो अब यहाँ पे जो दो बात आएगी लड़कों के मन में कि भैया क्या हमने जो 2022 के समय में मैंने बनवा रखा था वो चल जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, लेकिन 2022 के एक साल पहले का आपका नहीं चलेगा ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी सर्टिफिकेट। इसको ध्यान देना, आप लोगों का अगर फॉर्म अप्लाई डेट जिस तरह से हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का मैंने बता रखा था कि 18 जून तक है, 18 जून से पहले का होना चाहिए, 18 जून 2023 के पहले का और 18 जून 2022 के पहले का होना चाहिए। मेरा बात ध्यान से सुनो, 18 जून 2022 से बाद का और 18 जून 2023 से पहले का ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट अगर इस तरीके से आपके पास है तो आप एकदम वैलिड हो, आप अपना जो भी रिजर्वेशन कोटा में जो भी आपकी कैटेगरी चुने हो उस कैटेगरी से आपको रिजर्व सीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट का। देखो रेसिडेंस सर्टिफिकेट को तीन तरीके से आपको क्या बताया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक हिंदी में इसको निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, ठीक है। तो समझ लेना, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग का स्टेट का हो वो भी चल जाएगा, सेंट्रल का हो वो भी चल जाएगा, आपको जिला स्तर का हो वो भी चल जाएगा, किसी भी तरीके से अगर आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें आप लोगों को सिर्फ भारत सरकार का नागरिक होना आपको माना जाता है कि भारत के नागरिक अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी स्टेट का, अगर आपके पास स्टेट लेवल का भी अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, आप लोग आराम से वही सर्टिफिकेट वहां पे जाके जमा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 9th नंबर में ब्लू पेन और ये 10th नंबर में जो है वो फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट। देखो फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट इसलिए वो लोग मांग रहे हैं कि आपने जिस डेट को फॉर्म अप्लाई किया था अगर जो डॉक्यूमेंट का रोल नंबर आपने डाला था, जो भी डाला था उसमें, देखो फॉर्म अप्लाई डेट तो वो खुद फॉर्म अप्लाई तो वो लोग खुद निकाल के लाएंगे, फॉर्म का अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट से होगा, जिस तरह सब इंस्पेक्टर लोगों का लेट से हो रहा है, मेडिकल डीवीएक्स चल रहा है उन लोगों का गोरखपुर में, तो वहां का मैं देखते हुए बता रहा हूँ आप लोग को कि अगर आपके पास फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों का डीवी जो है वो लेट से होगा, सबके हो जाने के बाद आपका डीवी होगा क्योंकि वो सबका एक बार जाके निकाल के लाएंगे वहां से, उसके बाद आपका डीवी कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ गए, अगर आपके पास फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां पे जाओगे, आप लोग का डीवी बस इतना होगा कि आपका डीवी थोड़ा सा लेट से होगा, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम टू सेम साथ में होगा। अब देखो एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आ रहा था कि स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड कब आएगा, ये देखो ये तो मैंने आप लोग को शुरू में ही समझा दिया लेकिन इसके ऊपर आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट था कि भैया वो कांस्टेबल कुक का जो है वो स्किल टेस्ट कब तक आ जाएगा, भैया कब एडमिट कार्ड उसका कब रिलीज किया जाएगा कि हमको पता चल जाए कि कहाँ पे उसका बोर्ड बनाया गया है, कहाँ पे उसका ये होगा। देखो दोस्त अभी जहां तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग का जो बोर्ड बनेगा वो एक दो जगह नहीं बनेगा, वो बहुत जगह उसको बोर्ड को बनाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट होगा वो देखो किशनगंज में भी जा सकता है, नरकटियागंज भी जा सकता है, किसी भी तरीके से, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो कि आप लोग का 3-4 जगह इसको बनाना पड़ेगा एडमिट कार्ड पे, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपका मेडिकल का बात रहता तो मैं बता सकता था कि आपका मेडिकल जो है वो या तो गोरखपुर में नहीं तो आपका लखनऊ में, इन दोनों जगह पे जा सकता है, लेकिन स्किल टेस्ट का मैं बात करूं तो स्किल टेस्ट पिछली वैकेंसी का भी काफी ज्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्योंकि स्किल टेस्ट को कराने के लिए वहां पे फोर्स की जरूरत पड़ता है, तो सभी जगह जितने जितने फोर्स है एसएसबी की जितनी भी बटालियन है वहां पे, वहां पे आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से रख ले, समझ लेना बात कि आपका स्किल टेस्ट एक जगह नहीं होगा, काफी ज्यादा जगहों पे होगा क्योंकि कैंडिडेट काफी ज्यादा मात्रा में है। और पिछली वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट, देखो मैं ईडब्ल्यूएस पे फिर से एक बार आ जाता हूं क्योंकि अगर आपके पास पिछली वैकेंसी के बारे में अगर आप लोग नहीं पता है, जिनका ज्वाइनिंग चल रहा है, जिनका वो लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनका अब ट्रेनिंग 3 हफ्ता का बचा हुआ है, तो उनके बारे में मैं बता दूं आप लोग को कि जिनका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर सही नहीं था उनका ज्वाइनिंग उनको फिर से बुलाया गया था सेंटर पे और वहां पे उनके पास जब वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था तब उनको ज्वाइनिंग दिया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाके ऑफिशियली जो उसका फाइनल मेरिट आया था, फाइनल रिजल्ट, उसमें जाके देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, उनका रिजल्ट आपके जो फाइनल रिजल्ट आने के 10-15-20 दिन के बाद जारी किया गया था। तो इस बात को आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपना वैलिड ही जाके वहां पे जमा कराना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। अगर आपने यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया है तब तो आपको यूआर कैटेगरी में डाल के वो लोग नौकरी दे देंगे,
लेकिन आपने अगर EWS कैटेगरी का बेनिफिट लिया है और EWS आपके पास जो आपका EWS है वो वैलिड नहीं है, तो आपको रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जितने भी मैंने इन चीज़ों को बताया वो आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।